देखो साहब, ये तो चुनावी स्टैंड है मोदी जी का कि उनको पता है कि गरीब आदमी को 2000 रुपये दे दो, वोट हटा लो, बस बात खत्म भाई, और कुछ थोड़ी है। ये तो बेवकूफ बनाने का काम है। आप देखना 2024 में ये इसको 12000 कर देंगे। अभी हमने थरारी विधानसभा के निवासियों से बात करके समझने की कोशिश करी क्या है उनके मुद्दे जिनके आधार पर वो चुनावी मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान जो इस पूरे इलाके में बाकी उत्तराखंड प्रदेश की तरह ही रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा एक प्रमुख सवाल बना हुआ है, खास और जिस कारण पलायन का एक कारण बन रहा है इस पूरे इलाके से। लेकिन इसके साथ साथ इस इलाके में एक बड़ी समस्या खनन की भी है। जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में नदियों से खनन की अनुमति दी है इस इलाके में, जिसके कारण लोगों की जो कृषि योग्य भूमि है या जो उनका घर है नदी के किनारे, उनमें दरारें आ रही हैं, उससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है, जिसको लेकर काफी चिंतित हैं। जैसे हमारा ये क्षेत्र है तो इस क्षेत्र के अंदर माल्टा और ये नारंगी, संतरे इत्यादि काफी मात्रा में उत्पादन होता है, तो लेकिन उसका विपणन की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। वो ऐसे ही सड़ गल करके सारे, थोड़ा बहुत जितना अपना यूज किसान करता है वो करता है, और बाकी जो होता है उत्पादन वो सारा यहाँ पे मिसयूज जाता है। और एक उचित व्यवस्थाएं विपणन की जो कि सरकारों के द्वारा यहाँ पे नहीं की गई है। पहाड़ को जो है जंगली जानवरों से बहुत बड़ा नुकसान है। खेती, लोगों ने फसल बोना छोड़ दिया। बंदर है, सुअर है, भालू है, और जो खाली फसल की हानि नहीं होती है, जनहानि बहुत होती है। आजकल जो भालू है वो जगह जगह गाँव में जो है मतलब अटैक कर रहा। कृषि की यहाँ पे जो नीति होनी चाहिए थी वो यहाँ पे सरकारों के द्वारा एक ढंग की नीति यहाँ पे नहीं बनाई गई है। यहाँ पे लोग खेती बाड़ी में मेहनत करते हैं, और ये जो है कि पहाड़ी परिक्षेत्र है और जंगल इत्यादि भी काफ़ी हैं, और यहाँ पे जंगली जानवरों का सबसे बड़ी समस्या ये है, इसलिए लोगों का जो है खेती बाड़ी से भी मन उब गया है। यदि आदमी मेहनत करेगा तो जो जंगली जानवर हैं वो सारे उस खेतीबाड़ी को चौपट कर जाते हैं, जिसका कि जितनी उस पर मेहनत की जाती है उतना लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिलता है। और बेरोजगारी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा, जब से एक कोरोना काल चालू हुआ तो यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर यहाँ का बच्चा यदि बाहर काम कर रहा था, वो बच्चे घर आने के बाद और उनका काम काज जो भी अपना अपना व्यक्तिगत या प्राइवेट नौकरी जो भी थी वो सारे चौपट हो चुके हैं और बहुत परेशान है। आर्थिकी इतनी डाउन हो चुकी है कि बिल्कुल यहाँ पे माने कि रोजी रोटी का एक बहुत बड़ी समस्या। कुछ जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से हमारे अधिक से अधिक बेरोजगार भाई बच्चे बेरोजगार हैं। बच्चों ने अनेक प्रकार के डिप्लोमा कर रखे हैं, उच्च शिक्षा ले रखी है, तब भी हमारे बच्चे बेरोजगारी की ओर भटक रहे हैं। जो आज मनरेगा है, मनरेगा में किन्हीं भी गाँव में जो 100 दिन का रोजगार है वो किसी गाँव में नहीं। और आजकल तो जब से ये COVID-19 आया है तब से जो है मनरेगा का काम भी बंद पड़ा हुआ है, और उससे लोगों की आर्थिकी और जो आर्थिकी जो बिगड़ गई थी उससे और बिगड़ गई आर्थिकी, जो मनरेगा का काम ठप है। किसानों के दौरान जैसे ये सड़कें बन रही तो इनका ना ना इनकी नदी ना नालियाँ हैं, ना कुछ है, बहाव हो रहा है, सारी खेती बर्बाद हो रही, फसल बर्बाद हो रखे हैं, ना हमको इनका मुआवजा मिलता है, ना हमारे यहाँ से दालें 20 रुपये केजी दाल ले जा रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं मिलती हमको यहाँ, ढंग का कुछ भी नहीं है। कि जितने भी यहाँ पे ये छोटे छोटे हॉस्पिटल भी यहाँ गाँव में भी हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोले गए हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल सिर्फ एक वार्ड बॉय के माध्यम से चल रहा है, वहाँ फार्मेसिस्ट तक आपको नहीं मिलेगा, वहाँ कोई NM उन हॉस्पिटलों के अंदर नहीं है, डॉक्टर तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के जितने भी उनके हालात ये हैं, और एलोपैथी के अंदर यदि हम देखें तो हमारे ये CS है और ये जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ की स्थिति ये है कि एक आध डॉक्टर आपको वहाँ पर मिलेगा, जो भी कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पर है नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। यहाँ से यहाँ का गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके तब अपना पैसा इकट्ठा करके और यहाँ से देहरादून रेफर होते हैं, और वहाँ बीमारी का इलाज जिसकी अपनी जितनी हैसियत है उसको, कोई यदि ठीक ठाक पैसे किसी के पास हैं तो वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में, या जिसके पास नहीं है तो वो सरकारी में। लेकिन देहरादून से पहले यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है।
जैसे कि एक बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे बनी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के जिला अस्पताल तक मात्र रेफर सेंटर हैं। जिला अस्पताल में तो एक आध लेडीज डॉक्टर हैं, बाकी और कहीं भी कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है और कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं पीएससी और सीएससी में। यहाँ सिर्फ जो है मात्र एमबीबीएस हैं और वो जो है वो हैं अस्पतालों में। और अस्पतालों में अभी जो COVID-19 हुआ था उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें थी। अधिकांश मरीजों को जो है उनके लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी। और उसके बाद फिर जब आइसोलेशन सेंटर में भर गए लोग तो उसके बाद घरों में आइसोलेट किए गए लोग। यहीं पे हमारा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ में जो विकास खंड का है, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री उस हॉस्पिटल के उच्चीकरण के लिए कई घोषणाएं कर चुके हैं, कई बार आकर के घोषणाएं हुई है, लेकिन वो जस का तस जो 4 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है बस वो 4 बेड ही वहाँ पे हैं और वो भी बदहाली की व्यवस्था में। वहाँ रहने लायक भी नहीं है कि किसी मरीज को उन हॉस्पिटलों के अंदर रखा जाए और वहाँ पे कोई अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मरीजों को वहाँ पे मिलेगी। इस प्रकार का यहाँ पे बहुत बड़ा निर्माण यही तो किया इन्होंने, अभी जो ये खनन किया जो यहाँ पे ये डिग्री कॉलेज है, ये अगर अभी बारिश आएगी जहाँ से ये मतलब इसको खोद रहे हैं तो ये सीधा अटैक इस पर करेगा। ये जो ये बिल्डिंग दिख रही है इस पर अटैक करेगा। ये खनन जो है धामी जी ने यहाँ खनन कराया, यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे ये खनन कराया, वहाँ भूमि जो हमारी कृषि भूमि उसको खतरा है। फिर आगे यहाँ से आगे जाके मलतुरा में है वहाँ खनन हो रहा है। ये मतलब जो है कि 5 किलो 7 किलोमीटर के अंदर 3 जगह तो खनन ही हो रहा है। तो ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने अपने लोगों का पेट भरने का काम करते हैं सरकार। संरेखण क्या हुआ, ये सरपंच भी है, ये संरेखण के टाइम पे ग्राम पंचायत और हाँ उसका नाप जोक होता ना, ये उसका लॉट नंबर चुकान के लिए, तो ये ना ग्राम पंचायत को पूछा गया ना वन पंचायत को पूछा गया, उनके अनदेखी की गई। खनन का कब से शुरू हुआ और जब आप पंचायत में है प्रतिनिधि, आपको सूचना मिली? इसके लिए तो हमको कोई सूचना नहीं मिली। यह 17 तारीख को इन्होंने वहाँ पे वो रोड निकाल दी थी। हाँ 17 जनवरी जी उन्होंने ना ग्राम प्रधान को पूछा, ना उन्होंने क्षेत्र पंचायत को पूछा, ना तो उन्होंने ये वन पंचायत को पूछा। उन्होंने अपने मर्जी से रोड वहाँ पे निकाल के, उन्होंने कुछ चीज़ तो पूछना चाहिए था हमको, बिना पूछे हुए उन्होंने एकदम से रोड निकाला, इसलिए हम इसके लिए विरोध करेंगे। अवैध नहीं हो रहा, अवैध ही तो हो रहा है, हमें क्या पता कि इसका कहाँ से कहाँ तक का धैर्य है इसका, हमें तो ये भी नहीं पता ना इसका धैर्य कहाँ से कहाँ तक है। अब रात को वहाँ जेसीबी लगी हुई है, ट्रैक्टर ट्रॉली लगी है, रात को भर भर के ले जा रहे हैं, किसी को क्या पता, कोई पूछने वाला थोड़ी है कि सत्ताधारी पार्टी होती है, सारा शासन तंत्र इन्हीं का होता है। खनन हमारे यहाँ जो जमीन है हमारी ऊपर गांव की जमीन है वो पूरी स्लाइडिंग हो रही है, और किस कारण हो रही, क्योंकि जब ये नदी ज़्यादा आती है तो अपना कटाव करती है, नीचे से कटाव होगा तो ऊपर से हमारी ज़मीन खिसकती है, जो कि हमारे गांव में भी दरारें आ चुकी है, हमारे घरों तक भी दरारें पहुंच चुकी है। और किसका अब इसके बावजूद भी अगर वहां खनन हो रहा तो आप ये लगा लीजिए कि हमारे क्या हाल होंगे, हमारे खेती कहाँ। एक तरफ तो सरकार बोलिया कि पलायन रोको, और दूसरी तरफ हमारी ज़मीन कट रही है, हमारे घरों के नीचे खनन हो रहा तो इसका मतलब ज़्यादा स्लाइडिंग हो गया। आने वाले समय में जब नदी अपना रुख ज़्यादा वो करेगी तो हमारी पूरी ज़मीन क्या हमारे गांव के गांव चलेंगे। भाई अगर सरकार को इतना ही चिंता है तो हमारे यहाँ जो प्लम्बर है हम इसको बचाने की सोचो ना, जिससे आदमी का पलायन ना हो। ये तो सब ऐसा है कि जो अब सत्ताधारी पार्टी है इनका काम है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना और जो है कि मतलब जो है कि किस तरीके से उनको पता कि ये गरीब जनता इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो बेवकूफ़ बनाने का काम है इनका, और बाकी तो कुछ है नहीं, मतलब ग्राउंड में तो कुछ नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हैं रोड की हालत देख लो, रोड जो बंद हो रही तो खुलने का नाम नहीं, तो कई चीज़ें ऐसी है, लोग परेशान हैं, पब्लिक परेशान है। मगर ये है कि अभी जो ये चुनावी दौरा है तो जिस पार्टी के पास पैसा ज़्यादा होगा दारो दराम मुर्गा उर्गा खला खुलू करके और जो है कि सत्ता को
मतलब जो है अपना सतह अपनाने का काम करेंगे ये लोग, और जो योग्य आदमी होगा कभी आ नहीं सकता है। 2002 से फर्स्ट चुनाव हुए थे, तब से और आज तक दिख रहे हैं सारी वैसी सरकारें हैं सर। ये आप देख लो क्या, इनके लिए तो थर्ड फ्रंट चाहिए था, तो थर्ड फ्रंट कहाँ रहा यहाँ, लोग नहीं चाह रहे ना कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी का भी कहाँ है यहाँ नहीं है। इनके लिए तो बीजेपी कांग्रेस को तो थर्ड फ्रंट ही चाहिए था, लेकिन लोग कहाँ इतनी सूझबूझ और समझ नहीं है ना लोगों में, आम जनता में। देखो साहब ये तो चुनावी स्टैंड है मोदी जी का, कि उनको पता कि गरीब आदमी को 2000 रुपये दे दो वोट हटा लो, बस बात खत्म भाई, और कुछ थोड़ी है। ये तो बेवकूफ बनाने का काम है। आप देखना 2024 में ये इसको 12000 कर देंगे, क्योंकि इनको पता जनता इनकी मतलब इतनी काबिलियत है कि इनको मतलब 6 दिया 12 दे दो और सत्ता में बैठ जाओ, बात खत्म। अब देखना ये है जनता इन मुद्दों के आधार पर ही मतदान करती है या पार्टियों के प्रचार प्रसार पे और उनको चेहरे के आधार पे मतदान होता है। और थलारी विधानसभा की जनता का जो भी निर्णय होगा उसका फैसला तो 10 मार्च को ही होगा, जब मतदान की पेटियां खुलेंगी।